So, hello everyone, a very good evening and a warm welcome to today's webinar. जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज मैजिकल मंडे यानी कि मैजिकल मंडे का आज का जो वेबिनार होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है और मैं हूं अनुषा सेन, आप सभी का स्वागत करती हूँ ये वेबिनार में. सो अ वार्म वेलकम टू एवरीवन. जो लोग आज फर्स्ट टाइम ये वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मैं ये रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ा रिपीट करना चाहूंगी. सो जो लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उन लोगों के लिए, आप लोगों को आप जस्ट अनम्यूट आप लोग हैं क्योंकि सॉरी म्यूट है लेकिन आप लोगों के पास अनम्यूट का ऑप्शन नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग चैट बॉक्स के दौरान या फिर रेज हैंड्स के दौरान आप हम लोगों से के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड उसी के साथ आप लोग का एक्साइटमेंट शो कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स एंड बाय रेजिंग योर हैंड्स. एंड जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग हर शाम ये वेबिनार के लिए वेट करते हैं, उनके लिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा उन लोगों के लिए कि अगर अभी तक आपने आपके टीम में शेयर नहीं किए हैं सो जल्द से जल्द ये लिंक को शेयर कर दीजिए क्योंकि आज कुछ अनोखे नॉलेज आप लोगों को मिलने वाले हैं, कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी आप लोगों को मिलने वाले हैं एंड आज का वेबिनार कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. तो ये वेबिनार मिस नहीं करना है. सो वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड अ वार्म वेलकम टू मैजिकल मंडेज वेबिनार. सो आज का जो ये शाम है, ये शाम को और भी अच्छा बनाने के लिए यानी कि और भी नॉलेजेबल बनाने के लिए मैं जिनको भी बुलाना चाहती हूँ उनके साथ परिचय तो सबका है, आई होप सो या आई होप नहीं, आई एम कन्फर्म्ड कि जो लोग सिर्फ नए हैं उन लोग नहीं जानते हैं बल्कि सबको ही जानते हैं वो स्पीकर को, आज का जो मेन स्पीकर है यानी कि जो आज आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करने वाले हैं उनके साथ परिचय सबका है. सो शी इज अ वेरी 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 नॉलेजेबल, एक्सट्रीम नॉलेजेबल पर्सन जिसको मैं आज बुलाना चाहूंगी एंड बहुत कई दिनों से ये मैम हम लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं. मैम का जो नॉलेज है एंड मैम का जो बोलने का तरीका है वो कुछ अलग है, तो उनके तरीके से वो जो समझाते हैं हम लोगों को बहुत ही आसानी हो जाता है. एंड आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया है हम लोगों के लाइफ में आफ्टर कोविड, यानी कि आज का टॉपिक है इम्यूनिटी, हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी. ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो जो प्रोडक्ट्स है, जो जो जानकारी आप लोगों को चाहिए, ये जानकारी देने के लिए जो आ रहे हैं सभी उनको जानते हैं, सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट एंड नॉट ओनली दैट उनका और भी बहुत सारे एक्सपर्टीज है. सो इसके साथ मैं आप सभी के सहयोग के साथ, सभी के सपोर्ट के साथ मैं एक बार ग्रैंड वेलकम करना चाहूंगी आवर हेल्थ एक्सपर्ट Miss Riddhi Shah on this webinar. Thank you so much, Anusha. Thank you, dear. बहुत ही अच्छा लगता है जब आप मतलब सामने होती है. You're such a vibrant personality. बहुत ही thank you बोलना चाहूंगी for this lovely introduction आप सभी को. And yes, welcome everybody. मेरी प्यारी audience को बहुत बहुत ज्यादा welcome. आप chat box में लिख रहे हैं, मुझे सभी के messages आ रहे हैं. यस, सो तीन चीजें कंफर्म करना चाहूंगी. क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? यस, राइट यस इन द चैट बॉक्स इफ यू कैन हियर मी, क्योंकि मैंने एक मैसेज यहाँ पे देखा कि आपकी आवाज नहीं आ रही है. तो अगर सबको आ रही है तो आपको आपका ऑडियो चेक करना होगा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ ये क्वेश्चन. राइट, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो देखिए सब यस लिख रहे हैं, तो आप जरा अपना ऑडियो चेक करिए या तो फिर लीव मीटिंग करके वापस आ सकते हैं. ठीक है, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मीटिंग एग्जिट करके वापस ज्वाइन कर सकते हैं, शायद कोई टेक्निकल इश्यू होता है कभी कभी. ठीक है, ओके. सेकेंड चीज, अब मैं जब आपके सामने प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी तभी मैं वो दो चीजें कंफर्म कर लूंगी कि आपको मेरा वीडियो क्लियर है और क्या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है. ठीक है, बट बिफोर वी गो इन टू दैट, तो जैसे अनुषा ने कहा कि यहाँ पे कुछ शायद न्यू लोग भी ज्वाइन हुए होंगे आज, करेक्ट. सो मैं सभी का तहे दिल से वेलकम करती हूँ और
रात को 8 बजे अगर आप ये अटेंड कर रहे हैं तो इट शोज अ लॉट कि आपको यू नो कुछ नया सीखना है. एंड फॉर दैट आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू. ओके, तो जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं वो लिखिए चैट बॉक्स में, फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट इन द चैट बॉक्स. यस, अगर आप पहली बार आज का सेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो लिखिए फर्स्ट इन द चैट बॉक्स, तो मैं समझ जाऊंगी कितने लोग आज न्यू हैं. यस, वीर विक्रम जी वेलकम, राशि जी वेलकम, वेरी गुड, शौकत जी वेलकम, विपिन जी, समीर जी, रीना जी, नाजिया जी, अच्छा चरणजीत जी फर्स्ट टाइम ऑफ माय लेक्चर, वेलकम वेलकम, ओके, राकेश जी एंड पवार जी, ओके ग्रेट, रमेश जी ओके ग्रेट. सो थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस. आप जितना हम मतलब यू नो जैसे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं बहुत अच्छा लगता है. स्पीकर्स को भी एनर्जी मिलती है बिकॉज सुनने वाले इतने एनर्जेटिक है इसलिए. Yeah, so without any delay now, आगे बढ़ते हैं. तो आज का जो टॉपिक है, जो हम आज जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, करेक्ट, उस टॉपिक के ऊपर न जाने कितनी कितने डिस्कशंस हो चुके हैं दुनिया भर में, राइट. इट्स नॉट जस्ट SHPL की बात नहीं कर रही हूं मैं, पर पूरे देश में, पूरे दुनिया में ये टॉपिक हर दिन, हर पल हिट रहता है, ट्रेंडिंग रहता है, राइट. और जैसे अनुषा ने आपको बता ही दिया है कि क्या टॉपिक है, तो हम जो बात कर रहे हैं, अच्छा नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, तो मुझे बताइए येस और नो इन द चैट बॉक्स. इफ यू कैन सी द स्क्रीन एंड इफ यू कैन सी माय वीडियो साइड में, येस, दोनों येस होगा तो येस लिखिए. ग्रेट, थैंक यू श्याम जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, लवली, ओके ग्रेट. सो सभी का स्वागत है वेलनेस वर्ल्ड, सार्वश्री का जो वेलनेस वर्ल्ड है उसमें, राइट. और यहाँ पे हम कैसे बात करते हैं, यहाँ पे हमने क्यों वेलनेस नाम दिया है इसको, क्योंकि हमें सभी को स्वस्थ रहना है, राइट. हमारा जो मेन मोटो है वो यही है, SHPL का जो मेन मोटो है वो ये है कि आपको वेलनेस हर घर में फैलाना है हमें, करेक्ट. एवरीबडी इज ऑन द सेम मिशन एज अस, राइट. सो आज आप यहाँ पे जुड़े हुए हो उसी मिशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए. नाउ ये आपका आज का टॉपिक है जिसके हम जिसके पे हम आज बात करने वाले हैं. सो इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति, यानी कि जो मनुष्य की बॉडी में हम है, राइट. इस बॉडी में आए दिन, हर मिनट, हर पल कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, राइट. नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स मरते हैं. अब उसमें क्या होता ये है कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसका प्रभाव भी होता है हमारे बॉडी पे, राइट. तो हम कुछ ना कुछ आम जिंदगी में लाइक यू नो वी टच समथिंग, जैसे कि अभी आपने कोविड में भी देखा होगा कि आपको हैंड सैनिटाइजर का सेल एकदम बढ़ गया था, राइट. हैंड सैनिटाइजर्स का यूज इतना बढ़ गया था, क्यों? क्योंकि हर यस एक्सटर्नल इन्फेक्शन, एब्सोल्युटली. सो एक्सटर्नल रीजंस जो होते हैं आपके, वो आपकी इंटरनल सिस्टम को हिला सकते हैं. वो इस वे से कि आप जो सांस ले रहे हैं या जो आपके अंदर जो सांस जा रही है, जो ऑक्सीजन या जो एयर जा रहा है, वो पोल्यूटेड हो सकता है या वो इन्फेक्टेड हो सकता है, करेक्ट. आप जो जो सर्फेसेस टच कर रहे हैं, राइट, जैसे कि टेबल है आपका, आपका लैपटॉप है, आपका फोन है, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जो होता है वो फोन के ऊपर होता है, बाय द वे, राइट. सो आप जो यू नो आम जिंदगी में कर रहे हैं काम अपना, उसमें आपको बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करना, यानी कि आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, करेक्ट. सो किस तरह से करेंगे वो आज हम देखेंगे, ठीक है. पर जैसे कि हमारे हमारे यहाँ पे एक हम जिस फ्लो में जाते हैं सेशन का, जो जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम पहले समझते हैं ये प्रॉब्लम को थोड़ा, और फिर हम जाते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, राइट.
So how many of you all excited, write excited in the chat box. अगर आज आज का session आपको लगता है कि बहुत जरूरी है हर एक के लिए, write excited chat box में. मैं जानना चाहूंगी कितने लोग excited है, immunity कैसे बढ़ाते हैं SHPL के product से. और बाद में मैं लास्ट में ये भी बोलूंगी आपको कि अदरवाइज प्रोडक्ट्स के अलावा भी आपके लाइफस्टाइल में क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है. यस, ग्रेट ग्रेट टू नो दिस दैट यू आर वेरी एक्साइटेड, वंडरफुल. आई लव दिस ऑडियंस. या ओके, चलो. सो बूस्टिंग योर इम्यूनिटी विद SHPL प्रोडक्ट्स. और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं पहले इम्यूनिटी क्या होती है. हम ह्यूमन बॉडी में तीन प्रकार की इम्यूनिटी होती है, तीन प्रकार की. हम तो एक ही जानते हैं, हमने तो कभी नहीं देखा कि तीन क्या है. मैम आप बताइए, ये हो रहा होगा अभी दिमाग में आपके चल रहा होगा, राइट. सो तीन प्रकार की इम्यूनिटी होती है और इसमें से सबसे एवरीडे जो मैं बात कर रही हूँ एवरीडे इम्यूनिटी की, वो क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. फर्स्ट, सबसे पहले होता है इनेट इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी यानी कि जो इम्यूनिटी के साथ आप बॉर्न हुए हो, जब आप पैदा हुए थे तब आपको एक इम्यूनिटी मिली हुई है. हर मानव शरीर को एक इम्यूनिटी मिलती है जन्म पे, राइट. और उसका एक उदाहरण है आपकी स्किन, आपकी त्वचा, जो एक बाहरी परत है, बाहरी कवर है, बाहर के एक्सटर्नल पैथोजेंस को अंदर एंटर होने से रोकने के लिए जो एक बैरियर है, एक सुरक्षा कवच है, वो है आपकी त्वचा, आपकी स्किन, राइट. वो आइडेंटिफाई करता है कि क्या चीज फॉरेन मैटर है और क्या चीज अच्छी है, क्या चीज को अब्सॉर्ब करना चाहिए, क्या चीज को अब्सॉर्ब नहीं करना चाहिए अंदर. तो इट्स लाइक द मतलब गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड है आपकी बॉडी का, ठीक है. अब इसमें होता यह है कि फंगल इन्फेक्शन के द्वारा द्वारा भी फंगस एंटर होता है. इन्फेक्शन वगैरह आपने देखा ही होगा, राइट. बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा होता है, राइट. एंड नॉट जस्ट बाहरी त्वचा, आपके जो मुंह के अंदर की जो स्किन है, जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, राइट. जो अंदर की लाइनिंग है, माउथ के अंदर की लाइनिंग, वो भी डिसाइड करती है कि क्या पैथोजेंस अंदर जा सकते हैं और क्या नहीं जा सकता है. तो जब आप कोई ऐसी चीज कंज्यूम करते हो जो इन्फेक्टेड होती है, फूड पॉइजनिंग के केस में देख लो, तो आप कुछ ऐसा खा रहे हो जिसके अंदर बैक्टीरिया है और वो भी ज्यादा हद से ज्यादा है, उसके अंदर माइक्रोबियल लोड है, तो उस चीज से आपकी बॉडी को बचाने के लिए वो फाइट करती है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या माइक्रोब से, राइट. तो क्या होता है, हल्का सा आपको लगता है कि सर्दी खांसी हो रही है या हल्का सा बुखार आता है, वो बुखार इनफैक्ट अच्छा होता है क्योंकि आपकी स्किन ने उसको वहीं पे ब्लॉक कर दिया है, तो वो टेम्पररीली थोड़ा सा बुखार आता है, ठीक है. बट अगर वो बुखार नहीं जाता और ज्यादा देर तक रहता है, दैट मीन्स योर इम्यूनिटी इज पुअर. क्लियर एवरीबडी? यस. जो दूसरा है, हाँ, थैंक यू धर्मेंद्र जी, थैंक यू. हाँ, ओके. अब मैं चैट बॉक्स नहीं देख रही हूं, तो अब कुछ भी लिखोगे तो मैं शायद नहीं दिखेगा. ओके, नाउ बैक टू दिस. द सेकेंड वन इज अडैप्टिव इम्यूनिटी. ओके, अडैप्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो आप पूरे जीवन काल में डेवलप करते हो, यानी कि 2020 से 2021 तक जो आपने सब प्रयत्न किए हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो आपकी अडैप्टिव इम्यूनिटी है. उसके बाद भी आपने वैक्सीनेशन लिया है, वो आपकी अडैप्टिव इम्यूनिटी है. आज भी अगर मैं जो भी आज बात करने जा रही हूँ, हम मेनली अडैप्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, बिकॉज इनेट इम्यूनिटी तो हम पैदा हुए हैं उसको लेकर, बट हमें उसको डेवलप या मेंटेन कैसे रखना है, उसको अपग्रेड कैसे करना है, बहुत बहुत जरूरी होता है वो जानना, राइट. एंड द थर्ड वन इज पैसिव इम्यूनिटी, जो दूसरे सोर्स से बोरो होती है, यानी कि किसी और से मिलती है हमें. ये होती है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, माँ के दूध के अंदर जो एंटीजन्स एंटीबॉडीज होती है, जो एंटीजन से लड़ती है, वो होती है पैसिव इम्यूनिटी. तो जब एक शिशु पैदा होता है, जब एक नवजात शिशु होता है, वो अपनी माता से इम्यूनिटी लेकर पैदा होता है, करेक्ट. और सेकेंड, तो उसके बॉडी में इनेट इम्यूनिटी तो है ही, पर उसको पैसिव इम्यूनिटी भी मिलती है माता के दूध से, राइट. सो दिस इज अ टेम्पररी इम्यूनिटी, ताकि जो बच्चा है उसको कोई हार्मफुल इन्फेक्शन या कुछ ना हो, राइट.
अब ये फोटो देखिए आप यहाँ पर, तो ये जो है ये डार्क ब्लू में जो आपको दिख रहा है वो है इनेट इम्यून सिस्टम जो आप लेकर पैदा हुए हो। तो कितने लोगों ने यहाँ पे सीबीसी टेस्ट कराया है बताइए, कितने लोगों ने हर मतलब रेगुलरली कराते भी होंगे, विच इज वेरी गुड कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। पवार जी, अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अडेप्टिव इम्यूनिटी, सेम है वो, ये जो सेकेंड वाला है ना ये वाला वही है, ठीक है। हाँ, तो सीबीसी आप कराते हो, बैक टू द क्वेश्चन, तो सीबीसी आप जब कराते हो तो आपने देखा होगा कि न्यूट्रोफिल काउंट आता है उसके अंदर, उसके अंदर इजिनोफिल काउंट आता है, बेजोफिल काउंट आता है, मोनोसाइट्स आते हैं, ये सारी चीजें आपके सीबीसी में आती है। तो आपको पता चलता है कि अगर ये लिम्फोसाइट कम हो गया है तो दैट मीन्स इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं असर हुआ है, ओके। और अगर सपोज लेट्स से प्लेटलेट काउंट कम हो गया है तो बहुत ज्यादा चिंताजनक बात होती है, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट कर रहा है वो। सो ऑल दीज आर इनेट इम्यून जो आपके सीबीसी में दिखता है। अब ये जो इन्होंने कहा कि अक्वायर्ड और अडेप्टिव सेम है, अक्वायर यानी कि हासिल करना, अडेप्टिव यानी कि एडजस्ट करना, तो एक ही चीज है ये। तो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है आपके टी सेल्स और आपके बी सेल्स। तो टी सेल्स क्या होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, और बी सेल्स भी होते हैं, वो है इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले, मतलब आपको बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी जिंदगी आपके साथ ये दोनों सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर। पर ध्यान से सुनिए, जो लाइफस्टाइल आप जीते हो, जो खाना आप खाते हो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, अगर आप टाइम पे सोते नहीं हो, और अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो, या अगर आप अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हो, तो क्या होता है, धीरे धीरे हम अपनी अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को वीक कर रहे होते हैं। हाँ, डेफिनेटली तभी वो एक्टिव हो जाती है क्योंकि उसको काम करना है अपना, वो जाग जाता है। पर आप कंटिन्यूसली अगर वो ही चीज करोगे तो आप उसके ऊपर लोड डाल रहे हो, करेक्ट। एंड दैट इज वाई इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए हम SHPL में कुछ प्रोडक्ट्स आपके पास लेकर आए हैं, जिसकी मदद से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ, हाइजीनिक लाइफस्टाइल के साथ साथ, नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स कंज्यूम करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो। तो जो जब इम्यूनिटी खतरे में हो जाती है, जब इम्यूनिटी मतलब ज्यादा जरूरत होती है, तब आपके ये टी सेल्स और बी सेल्स जो है वो ज्यादा उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, राइट। तो वो अपना काम ठीक से कर पाए, इसके लिए हम आज जो है हर्ब्स वो देखेंगे, प्रोडक्ट्स देखेंगे कि जिससे आपकी अडेप्टिव इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और पूरी लाइफ आपको बचाती रहे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल पैथोजेंस, या जो भी हम कहते हैं कि खतरा जो होता है, करेक्ट। क्लियर एवरीबडी? चलिए अब हम देखते हैं कि नेचर में ऐसी कौन सी चीजें हैं, और वो नेचर के प्रोडक्ट्स हमने डाले हैं SHPL के प्रोडक्ट्स में, अपने प्रोडक्ट्स में, ओके। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है इसका पूरा रेंज, दिस इज द इम्यूनिटी रेंज, ओके। आगे हर एक प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी मैं, और कब लेना है, कैसे लेना है, उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। अभी खास करके ना अभी सर्दियों के मौसम में बहुत लोगों को कोल्ड कफ रहता है, करेक्ट। सो उनके लिए भी आप ये मतलब खास करके विंटर्स में डेफिनेटली ये शुरू कर दीजिए आप, ओके। चलिए, सो सबसे पहले हम जो प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है काउ कोलोस्ट्रोम। काउ कोलोस्ट्रोम या बोवाइन कोलोस्ट्रोम, ये टैबलेट का नाम है काउ कोलोस्ट्रोम, ये कोलोस्ट्रोम से लिया गया है एक्सट्रैक्ट। कोलोस्ट्रोम क्या होता है, जो दूध जब गाय दूध देती है, जब उसने बछड़े को जन्म दिया होता है, तो जो पहला दूध आता है थिक, जिसको हम आई थिंक बरी कहते हैं, राइट, वो कोलेस्ट्रॉम को कि उसके अंदर इतने एंटीबॉडीज होते हैं जो फाइट करते हैं हार्मफुल पैथोजेंस से, ओके। सबसे पहली बात, जहां जहां पर भी मैं पैथोजेंस का बात कर रही हूं, जो शब्द यूज कर रही हूं, पैथोजेंस मतलब हार्मफुल चीजें जो अटैक करती है, वो बैक्टीरिया हो सकती है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है,
एनी ऑफ द थिंग्स दैट अटैक योर बॉडी. ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल. ओके, अब काउ कोलेस्ट्रॉम क्या, जैसे मैंने कहा, इट इज द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड आफ्टर बर्थ, और उसके अंदर मतलब नेचुरली मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का खजाना है, इम्यूनोग्लोबुलिंस का खजाना है ये, पेप्टाइड्स विद एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड ग्रोथ फैक्टर्स का खजाना है ये. सो ये चीज जब आप कंज्यूम करते हो, आप अपनी अक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी को बढ़ा रहे होते हो. ठीक है, इम्यूनिटी को प्रमोट करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है और गट हेल्थ इंप्रूव करता है. जब आपका पेट सही होता है तो आपकी इम्यूनिटी के ऊपर डायरेक्टली उसका असर होता है. क्लियर एवरीबॉडी? फ्लू, फ्लू जैसी आम चीजें, सर्दी खांसी फ्लू हो गया, बुखार आ गया, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, उससे आपको बचाता है. IgA और IgA और IgG वाली एंटीबॉडीज होती है इसके अंदर, जो एंटीजन से लड़ने में मदद करती है. एंटीबॉडीज क्या होती है? एंटीबॉडीज वो तत्व होते हैं जो एंटीजन के सामने लड़ते हैं. एंटीजन क्या होते हैं? जो पैथोजेंस मैंने बोला आपको, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, करेक्ट? यस, ठीक है. एंड इट एनहांसेस द बॉडीज अबिलिटी टू फाइट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस. तो जितने भी नाक, गले और आवाज, स्वर पेटी जो होती है आपकी, ये नाक से लेकर यहां तक, गले तक, जितने भी इश्यूज होते हैं, सर्दी खांसी, टॉन्सिल्स, राइट, ये सारी चीजों के खिलाफ आपको सुरक्षा कवच देता है काउ कोलोस्ट्रोम. आप इसको लेना कैसे है? ये प्रोडक्ट आपको लेना है खाना खाने, नाश्ता करने से पहले. दिन में एक बार लीजिए, इनफ है. इट्स दैट पावरफुल. और ये शुरुआत के 3 months लीजिए आप. मैं आपको पूरे साल का कोर्स बताऊंगी, जैसे कि मैं हर सेशन में बताती हूँ. ओके, शुरुआत के फर्स्ट 3 months जो है, अगर आप आज से शुरू करते हैं, कल से शुरू करते हैं, तो 14 February से लेकर 3 months, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई तक आप ये कंज्यूम करिए 3 months लगातार, एवरी डे, विदाउट मिसिंग एनी पर्टिकुलर, विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे. तो नाश्ता करने से पहले देना है पेशेंट को, या आपके लिए है तो आपके लिए, मतलब जो भी है उनके लिए बोल रही हूँ, जनरली बोल रही हूँ, ठीक है. 1 tablet बिफोर ब्रेकफेस्ट एवरी डे फॉर 3 months. क्यों 3 months? क्योंकि जब आप अपनी अडेप्टिव इम्यूनिटी को डेवलप करते हो, मिनिमम 3 months लगते हैं इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए. क्लियर? क्लियर एवरीबडी? राइट यस इन द चैट बॉक्स. यस यस यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नाइस. सो ये आप अपनी नोटबुक, और मतलब नोटबुक में ये नोट कर दीजिए, बिकॉज मैं आपको पूछूंगी कि आपने कौन से प्रोडक्ट्स देखे. ओके, सो काउ कोलेस्ट्रॉम एक है. दूसरा प्रोडक्ट, अब ये तो हो गया नाश्ते के पहले का प्रोडक्ट, मैं आपको पूरे दिन का, दिनचर्या का बता रही हूँ. तो पहले आप ये लिंक, सुबह उठेंगे, जो भी आपका दिनचर्या है वो करेंगे शुरू, उसके बाद नाश्ता, नाश्ते से पहले आधे घंटे पहले आप ये लेंगे टैबलेट. ओके, और फिर आप नाश्ता करेंगे, और फिर आप लेंगे आपके जो भी दूसरे सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कर्क्यूमिन ले रहा है तो कर्क्यूमिन से कंटिन्यू करिए. किसी को अगर कोई और बीमारी है, जैसे हम इतने सारे सेशंस आपने अटेंड किए, तो अगर आपने कुछ दवाइयां ली है, आपने कुछ सप्लीमेंट्स लिए है, तो आप, आपका वो कोर्स होगा एक, करेक्ट? तो आप वो वाली दवाई लीजिए, वरना नहीं ले रहे हैं कुछ भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज आयुष क्वाथ, या तो सिरप के फॉर्म में या टैबलेट के फॉर्म में. आयुष क्वाथ, क्वाथ यानी कि डिकॉक्शन, यानी कि जो काढ़ा होता है. ओके, और आयुष, कितने लोग जानते हैं आयुष मंत्रालय के बारे में? कितने लोग जानते हैं? यस, लिखिए. आयुष मंत्रालय हमारा देश का जो एक गवर्निंग बॉडी है. यस,
तो हाल बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में, राइट? आयुष मंत्रालय के द्वारा रेकमेंडेड प्रोडक्ट है ये, टू बूस्ट इम्यूनिटी नेचुरली हर्बल वे में. यस, एक संस्था है ये. आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी. क्या है? आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी, ये सारे मेडिसिनल स्ट्रीम्स है हमारे देश के, इसमें एलोपैथी नहीं है. ओके, उस संस्था ने रेकमेंड किया है ये प्रोडक्ट जो कि है आयुष क्वाथ. अभी यहां पे देखिए बॉटल पे क्या लिखा है, हेल्प्स फाइट COVID-19 नेचुरली, रेकमेंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. ठीक है, तो हालांकि हम पीछे छोड़ आए हैं कोविड को, फिर भी आपको दूसरी बीमारियां ना हो, कोविड ही नहीं बाकी कोई भी इम्यूनिटी अफेक्ट करने वाली बीमारी ना हो, आपको इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए आपको ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा. ठीक है, आइए देखते हैं इसके फायदे. तो जैसे मैंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से रेकमेंडेड है ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला है. ओके, इसमें क्या क्या है, तीन चीजें हैं, वो देखेंगे हम क्या है, पर इसके काम क्या है पहले वो देख लेते हैं. आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, जितने भी वायरल इन्फेक्शन और फीवर आजकल हम देख रहे हैं उससे आपको राहत देता है, और अगर नहीं भी हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करेगा. मतलब जिसके केस में बार बार हो रही है सर्दी खांसी जुकाम और बुखार, उनके केस में तो मैनेज करेगा ही, बट जिनको नहीं भी हो रहा है और अपना इम्यूनिटी सेफ रखना है, बॉडी सेफ रखना है, तो वो भी ले सकते हैं इनको प्रिवेंशन के तौर पर. इंग्रेडिएंट्स पे नजर देख लीजिए एक बार, चार चीजें हैं इसके अंदर. एक तो है तुलसी, जो कि एक एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल एलिमेंट है. ये हर्ब तुलसी हर एक घर में आप देखोगे मिलता है, राइट? सोंठ भी जो है एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट है, अदरक का पाउडर सोंठ. ठीक है, दालचीनी ये भी एक एंटी ऑक्सीडेंट है. और जो चौथा है इंग्रेडिएंट, कृष्ण मिर्च यानी काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ये आपके बॉडी से कफ निकाल देती है, एक्सपेक्टोरेंट के तरीके से काम करती है. एक्सपेक्टोरेंट यानी कि म्यूकस निकालने में जो मदद करता है उसको एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं. ठीक है, तो ये चार चीजें सिरप के फॉर्म में या टैबलेट के फॉर्म में, वो आपके ऊपर है आपको क्या ज्यादा सूट करता है. अब अगर आप मुझे बोलो तो अगर मैं ट्रैवल कर रही हूं तो मैं प्रेफर करूंगी टैबलेट लेना, बिकॉज मैं सिरप कहाँ कहाँ पे कैरी करूंगी, राइट? तो अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं है ज्यादा ट्रैवलिंग वाली तो आप सिरप के साथ जा सकते हैं. पर अगर आपको लगता है कि टैबलेट इज बेटर, एक बार खाया मतलब वो ज्यादा टेस्ट नहीं आता है क्योंकि इसमें काली मिर्च है, तो किसी किसी को थोड़ा सा ऐसा लगेगा थोड़ा तीखा है. ओके, सो आप टैबलेट के रूप में ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है आपको सिरप लेना है या टैबलेट लेना है, दोनों ही असरदार है, दोनों ही बेस्ट प्रोडक्ट्स है. ठीक है, अगर आप खास करके ट्रैवलिंग करते हैं ज्यादा, फील्ड पे रहते हैं और सिरप कैरी नहीं कर सकते हर जगह पे, तो प्लीज टैबलेट्स कंज्यूम करिए, बट कीप योर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, खास करके जो बाहर ट्रैवल करते हैं उनको तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये प्रोडक्ट. ओके, कैसे लेना है? अगर आप टैबलेट ले रहे हैं, एवरीडे एक टैबलेट सोने से पहले लेना है, यानी खाना खाने के बाद, सोने के बीच में और खाना खाने, डिनर और सोने के बीच में एटलीस्ट 1.5-2 घंटे का गैप होना चाहिए, राइट? तो जब आप खाना खाते हैं रात को, उसके 1.5 घंटे के बाद कभी भी आप सोने से पहले ये एक टैबलेट ले सकते हैं. अगर आप सिरप ले रहे हैं तो 15 ml सिरप लेना है पानी के साथ सोने से पहले. टाइम सेम रहेगा, दोनों के डोजेजेस अलग है. सिरप है तो 15 ml, इसके साथ जो कप मिलता है उसमें 15 ml का नाप लेकर आप पानी के साथ ले सकते हैं. टैबलेट ले रहे हैं तो एक टैबलेट एवरी डे. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सिंपल. ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं. अब ये जो प्रोडक्ट है ये है ड्रॉप्स, ये ना टैबलेट है, ये ना सिरप है और ना ही कैप्सूल है, ये है ड्रॉप्स के फॉर्म में.
आप जो पानी पीते हैं, जो बॉटल में आप पानी पीते हैं पूरा दिन, उसमें भी आप ये ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। आप जो ग्रीन टी यूज करते हैं, ग्रीन टी अगर कोई कंज्यूम करता है यहाँ पर और कोई नहीं करता है तो प्लीज शुरू कर सकते हैं, बिकॉज ग्रीन टी खुद में ही एक बहुत बड़ी एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली, राइट? सो अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं या आप हर्बल टी ले रहे हैं, जो काढ़ा हम कहते हैं, जो तुलसी, दालचीनी, लेमन ग्रास, पुदीना, काली मिर्ची, ये सबका काढ़ा अगर आप पी रहे हैं, उसमें भी आप ये ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। तो चलिए उसके फायदे देखते हैं। मैंने ये वाला प्रोडक्ट क्यों सिलेक्ट किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तुलसी के ऊपर नजर घुमाते हैं। आपको याद है मैंने अभी आपको बताया था टी सेल्स और बी सेल्स के बारे में। टी सेल्स और बी सेल्स का काम क्या होता है? इम्यूनिटी को बूस्ट करना, प्रोटेक्ट करना बाहरी खतरों से, करेक्ट? सो टी सेल्स का काम इजी करता है और सेल्स को बढ़ाता है, हेल्पफुल सेल्स को बढ़ाता है, ताकि आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी रहे। और जो दूसरा का इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है करक्यूमिन। करक्यूमिन के फायदे मैं आपको शायद 1 घंटे के सेशन में भी नहीं बता पाऊंगी, उतने फायदे होते हैं। याद है मैंने एक पूरा सेशन लिया है करक्यूमिन के ऊपर। सोचिए 1 घंटा में लगातार करक्यूमिन के ऊपर बात किया, मतलब ये हीरो है, डेफिनेटली एक हीरो है। ओके, सो करक्यूमिन हल्दी के अंदर पाया जाने वाला एक तत्व है जो इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एजेंट है, यानी कि टी सेल्स, बी सेल्स, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, नेचुरल किलर सेल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स की पावर को एक्टिवेट करता है। तो कैसे आएगी इम्यूनिटी? ये हर्ब्स लेने से आएगी इम्यूनिटी। आप समझ रहे हो? अभी पैसिव इम्यूनिटी तो अब रही नहीं, क्योंकि वो टेम्पररी होती है जो मदर्स मिल्क से मिलती है, राइट? इनेट इम्यूनिटी तो अटैक हो रही है एवरीडे, राइट? तो कौन सी बची तीनों में से? अडैप्टिव इम्यूनिटी, जो कि आपके कंट्रोल में है। ना इनेट आपके कंट्रोल में है, ना पैसिव आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में कौन सी इम्यूनिटी है? अक्वायर्ड या अडैप्टिव इम्यूनिटी, क्लियर? सो करक्यूमिन उस इम्यूनिटी को 4 चांद लगा देता है, मतलब उतना पावरफुल है ये। आपकी बॉडी जो है ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाती है बाहरी खतरों से आपको बचाने के लिए। ये ड्रॉप्स जो है पूरे दिन भी आप कंज्यूम कर सकते हो, पर आपको यूज करने हैं सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स। ओके, चलिए देखते कैसे यूज करना है इसको। 1 से 2 ड्रॉप 1 ग्लास पानी में लीजिए, जो ग्लास में अगर आप पानी पीते हैं। अगर आप बॉटल से पानी पीते हैं तो आप 4-5 ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं 1 लीटर की बॉटल में, ठीक है? पूरा दिन जब तक वो पानी चलेगा आप पीते रहोगे उसको, राइट? अगर आप ग्रीन टी में डाल रहे हैं तो ग्रीन टी में आप जितनी भी बार ग्रीन टी पी रहे, 2 बार 3 बार दिन में, उतनी बार 1-2 ड्रॉप्स डालिए इसके अंदर, क्लियर? सो ये वाला मैंने क्यों चूज किया है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ तुलसी ड्रॉप्स SHPL के, एक है पंच तुलसी और एक है तुलसी करक्यूमिन। पंच तुलसी में 5 तरह की तुलसी है, इसके अंदर भी 5 तरह की तुलसी है, पर इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट है जो कि स्टार इंग्रेडिएंट है, जो रेगुलरली फॉलो करते हैं, जो रेगुलरली जुड़ते हैं हमसे हमारे हेल्थ एंड वेलनेस वेबिनार्स में, उनको पता होगा कि कितना करक्यूमिन का इंपॉर्टेंस है ना? ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, बहुत सारे फायदे है इसके, इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज, ये सारी चीजें हैं करक्यूमिन के फायदों में, राइट? सो इसीलिए आपकी इम्यूनिटी पावर को 10x बढ़ाने के लिए तुलसी करक्यूमिन सिलेक्ट किया मैंने आपके लिए। सिर्फ पंच तुलसी नहीं, पंच तुलसी अपने आप में ही बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, पर जहां इम्यूनिटी की बात आती है तो करक्यूमिन सबसे पहले दिमाग में आता है, तो इसलिए। क्लियर एवरीबडी? अब मुझे बताइए कि कौन से 3 प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, फिर मैं जाती हूं मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स के ऊपर। लिखिए चैट बॉक्स में 3 प्रोडक्ट्स के नाम लिखिए, देखना चाहूंगी किसका ध्यान था, सिर्फ नाम लिखने आपको प्रोडक्ट्स के। हुँ.
वेरी गुड. हाँ श्याम सर, तुलसी नहीं, तुलसी कर्क्यूमिन. ओके करेक्ट करूंगी वहां पर आपको. यस रुना जी, वेरी गुड. कैट कैट हो गया ये. ओके सीएटी कैट. ओके नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके. काउ कोलेस्ट्रॉम, आयुष्क्वात एंड तुलसी कर्क्यूमिन द स्टार प्रोडक्ट्स फॉर इम्यूनिटी. ठीक है, अब दो ऐसे प्रोडक्ट्स है, याद है मैंने आपको काउ. वेरी गुड वेरी गुड एवरीबडी, सुपर ध्यान है आप सभी का. भूख नहीं लगी है, ध्यान इधर ही है आपका. वेरी गुड आयुष्क्वात, वेरी गुड. नाइस नाइस ओके. चलिए अब ध्यान यहां पर. अब मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स की बात करते हैं. तो याद है काउ कोलेस्ट्रॉम के दौरान मैंने कहा था 3 मंथ्स काउ कोलेस्ट्रॉम लीजिए, उसके बाद क्या? उसके बाद आयुष्क्वात कंटिन्यू रहेगा और तुलसी कर्क्यूमिन भी कंटिन्यू रहेगी, पर दो चीज और ऐड हो जाएंगी. ओके दो चीज और ऐड हो जाएंगी और वो सबसे पहला प्रोडक्ट जो ऐड होगा वो है एडवांस्ड एस्पल्स जूस आफ्टर 3 मंथ्स आफ्टर फिनिशिंग काउ कोलेस्ट्रॉम कम में. क्योंकि क्या है, मैं सभी कुछ एक साथ नहीं दे रही हूं आपको. यहाँ पर ह्यूमन बॉडी है, आप उसको ओवरलोड नहीं कर सकते हो. ठीक है, इसलिए मैंने इस तरह से आपको पूरा डोजेज बता रही हूँ. तो काउ कोलेस्ट्रॉम का कोर्स खत्म कीजिए 3 महीने का रेगुलरली. हाँ अगर आप कहीं पर भी चुके हैं, 1 हफ्ता नहीं लिया, 10 दिन नहीं लिया, तो प्लीज उतना कंटिन्यू करिए. 3 महीना बोल के उस 3 महीने पे स्टॉप नहीं करना है. जो जितना आप मिस कर रहे हो उतना आगे कंटिन्यू करिए, कैरी फॉरवर्ड कीजिए. ओके सो एडवांस्ड एस्पल्स जूस आप लोगे 4th महीने से, वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं. ठीक है, क्या करता है ये एडवांस्ड एस्पल्स में? बेरीज के एक्सट्रैक्ट है. बेरीज क्या करती है? बेरीज एंटीऑक्सीडेंट होती है जो कि एक नेचुरल इम्यून बूस्टर होती है. स्ट्रॉबेरी, असाईबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, मलबेरी, लिस्ट इज एंडलेस. इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी होती है. एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? फ्री रेडिकल डैमेज से आपको बचाता है. डैमेज जो सेल्यूलर डैमेज होता है, जब भी आप कोई भी पैथोजन से के आमने सामने आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए COVID-19, फॉर एग्जाम्पल हो गया फ्लू वायरस, यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस, फॉर एग्जाम्पल हो गया कोई बैक्टीरिया, इकोलाई, राइट? तो ये सारी चीजें आपके बॉडी के अंदर एंटर होके सेल्स को डैमेज करती है. तो एस पल्स जो है इन सेल्यूलर डैमेजेस को रोकता है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है. बैक्टीरिया और वायरस से लड़ता है, फ्री रेडिकल्स नहीं होने देता है पैदा बॉडी के अंदर, और ऑक्सीडेशन से बचाता है, यानी कि ये कैंसर से भी बचाता है आपको. जिनके फैमिली में कैंसर का रिस्क है, प्लीज स्टार्ट करें. मैं उसके ऊपर एक अलग से सेशन करूंगी. ओके तो अभी हम कैंसर की बात नहीं कर रहे. प्लीज डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चंस अबाउट कैंसर, बिकॉज वो टॉपिक नहीं है आज का. पर इसका एक यूनिक फायदा ये है, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया यहाँ पर. ओके इन एडिशन बेरीज हैव प्लेंटी ऑफ विटामिंस. इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट है, तो विटामिंस और मिनरल्स भी है इसके अंदर. फाइटोकेमिकल्स है जो इम्यूनिटी में और कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, और हाँ ये देखिए, विटामिन सी एंड विटामिन ए, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स है. विटामिन सी एंड विटामिन ए आर एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि ये बेरीज में होते हैं और नेचुरली इसीलिए ये एंटीऑक्सीडेंट रिच हो जाती है. क्लियर? कैंसर का रिस्क कम करती है, जैसे मैंने कहा. कैसे लेना है? अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बच्चे की बात करूंगी. अगर आप 3 साल के ऊपर के बच्चों को दे सकते हो आप ये, ठीक है, तो 3 साल के ऊपर के बच्चों को जब दे रहे हैं, तो एक चीज याद रखें, 1 चम्मच दिन में 2 बार दे सकते हैं. 1 चम्मच यानी कि छोटी चम्मच, टीस्पून, सब समझते हैं टीस्पून का मतलब. छोटी चम्मच. और अगर अडल्ट्स को दे रहे हैं, आप, मैं, जितने भी हम हैं, ठीक है, डेली 15 ml इन द मॉर्निंग खाली पेट पर. तो याद है काउ कोलेस्ट्रॉम नाश्ते के पहले ले रहे थे आप 3 महीना, वो जब वो बंद हो गया तो ये उसकी जगह ले लेगा नाश्ते के पहले. 1 15 ml लेना है पानी के साथ, और खाना खाने के बाद लेना है
15 ml पानी के साथ. इज एवरीबडी क्लियर? मैंने एकदम सिंपल वे में समझाया, नहीं क्लियर है तो आई रिपीट इट. थैंक यू आयशा. बेबी को ml में कितना देंगे? बेबी को नहीं दोगे आप, बेबी के अंदर ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी है, उसको जरूरत नहीं है. 3 साल के ऊपर की बेबी को दोगे आप? प्रिंसी जी, यस. क्यों 3 साल के ऊपर? क्योंकि 3 साल की उम्र से इम्यूनिटी घटने भी लगती है, हमारे जैसे फिर ये उम्र में आके घटने लगती है. तो उसके पहले याद है इनेट इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट रहती है. कितना ml देना है? ओके, 1 teaspoon इज इक्वल टू 5 ml. लिखिए ये अपनी नोटबुक में, लिख लीजिए ये और यहां पे छाप लीजिए, यहां पर ब्रेन में 1 teaspoon. अब टीस्पून यानी कि जो आपके किचन में देखो आप छोटी चम्मच होगी वो 5 ml है. और अगर आप एक अडल्ट हो तो आप 15 ml भी ले सकते हैं. हाँ प्रिंसी जी, थैंक यू. सो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से फ्रेम करिए. थैंक यू. ओके क्लियर? दिन में 2 बार लेना है, एक खाली पेट पर जब आप सुबह लेते हैं और एक सोने से पहले, मतलब डिनर के बाद आप तुरंत थोड़े टाइम के बाद ले सकते हैं, 2 hours आफ्टर डिनर. ओके, 2 घंटे यानी कि सोने से पहले ही हो गया हो तो ये और आयुष क्वाथ साथ में भी हो सकते हैं, मतलब ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज इसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, कोई भी प्रोडक्ट्स का कोई रिएक्शन नहीं होता एक दूसरे के साथ, याद रखिए ये चीज. और सिंस हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो हम इम्यूनिटी के रिलेटेड ही इसके फायदे देख रहे हैं, पर इसके फायदे बहुत सारे हैं. अभी किसी ने चैट में भी पूछा था एसिडिटी के लिए दे सकते हैं क्या ये? एसिडिटी के लिए हालांकि ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, मेन प्रोडक्ट तो मैं बोल चुकी हूँ एक सेशन में, चाहिए तो रिपीट भी करेंगे हम नेक्स्ट मंथ इसको, अगर आपको एसिडिटी के लिए जानना है कौन से प्रोडक्ट देने हैं तो. वेल डाइजेस्ट सिरप है, आप काउ कोलेस्ट्रॉम भी दे सकते हैं एसिडिटी के लिए, राइट? सो ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, ये मेन एंटीऑक्सीडेंट वाला प्रोडक्ट है. सो कैंसर, एजिंग, ऑटो इम्यून, आप अल्जाइमर्स, ये सारी चीजों में दे सकते हैं आप, और इम्यूनिटी खास करके. क्लियर? हाँ, एक क्वेश्चन आया है, नाइस क्वेश्चन. गर्म पानी के साथ लेना है या नॉर्मल पानी के साथ लेना है? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको जिसके साथ जमता है आप ले सकते हैं. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ वार्म वाटर के साथ लेना है, ठीक है? हाँ सुरेश जी, इसको पानी के साथ, सिरप है ना, सिरप है उसके ऊपर आप पानी पी लो, एक चम्मच सिरप लिया पानी पी लो. नहीं, ये भूख नहीं बढ़ाएगा कृष्णा जी, ये एपेटाइजर नहीं है. इम्यूनो सर्विलेंस पेशेंट को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं बाबा जी. नो, दिस प्रोडक्ट डज नॉट क्लेम टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के लिए जो प्रोडक्ट्स है वो मैं आपको लास्ट टू लास्ट सेशन में बता चुकी हूं. ओके, नहीं सरदर्द में ये, इट्स नॉट फॉर सरदर्द, इट्स नॉट फॉर हेडेक, समझिए इस बात को. यस आयशा, ल्यूकवार्म वाटर ज्यादा अच्छा रहता है, बट कुछ लोग ल्यूकवार्म वाटर इतना वार्म कर देते हैं कि एक चीज याद रखिए, मैंने क्यों ल्यूकवार्म जानबूझकर मैंडेटरी नहीं किया है, क्योंकि ल्यूकवार्म वाटर अगर ज्यादा हॉट हो गया तो कुछ विटामिन्स और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स डीनेचर हो सकते हैं, यानी कि अपनी ताकत गुमा सकते हैं. तो फिर क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना है. ओके, वन थिंग, एनी प्रोडक्ट शालिन जी, एनी प्रोडक्ट, एनी सप्लीमेंट प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, लैक्टेशन यानी फीडिंग के टाइम पे, बच्चे को फीडिंग कर रहे हो आप. ओके, तो ये 2 केसेस में
हम रेकमेंड करते हैं कि उस दौरान ब्रेक लीजिए सप्लीमेंट से. व्हाई? बिकॉज आपको ऑलरेडी डॉक्टर ने बहुत सारी दवाइयां दी होती है आपकी नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए. डाइट और लाइफस्टाइल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. और अगर आपको लेना ही पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सम इश्यू तो प्लीज आप कंसल्ट करके लीजिए डॉक्टर को. क्लियर? सो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, मैं जानबूझकर इसको स्लो वे में बोल रही हूं ताकि सबके मन में रजिस्टर हो जाइए. हम प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सलाह नहीं देते हैं कोई सप्लीमेंट लेने की. नॉट बिकॉज दे आर नॉट सेफ, मैंने ये कभी नहीं बोला है. दीज आर 100% सेफ. पर ये ऐसा फेज होता है जहां पे आपके बॉडी में एवरी डे कुछ ना कुछ नया, नए सेल्स बनते हैं, कुछ कुछ नया होता रहता है प्रेगनेंसी के दौरान. करेक्ट? तो इसलिए डू नॉट टेक अ रिस्क, एंड अगर लेना है तो कंसल्ट करने के बाद ही लेना है. बिकॉज हर एक प्रेग्नेंट औरत का जर्नी अलग होता है. उन हर एक प्रेगनेंसी में अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या नहीं भी होते कॉम्प्लिकेशंस, तो उनका पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन ज्यादा होना चाहिए. मैं एक जनरल रिकमेंडेशन नहीं दे सकती हूँ यहाँ पर. इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस? क्यों मैं मना कर रही हूं? ठीक है. एस्पल्स मेनली एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो हम इसको कॉन्स्टिपेशन, बवासीर, पाइल्स वगैरह में अभी फिलहाल हम नहीं उसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये मेन प्रोडक्ट नहीं है. आप समझिए, ये मेन प्रोडक्ट नहीं है इम्यूनिटी पाइल्स का, बवासीर का. पाइल्स के ऊपर पाइलोकेयर दीजिए आप. पाइलोकेयर नाम का एक टैबलेट आता है, बवासीर में आप दे सकते हैं उनको. क्लियर एवरीबडी? बॉडी के ऑल पार्ट्स के पेन के लिए दे सकते हैं आप. कर्क्यूमिन सुपर एडवांस लीजिए, दैट इज योर, दैट विल बी बेटर देन दिस. ओके. एंड द लास्ट प्रोडक्ट, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे. ये भी आपका एक मेंटेनेंस प्रोडक्ट है. ये है सारवा टैबलेट्स. ओके. सारवा टैबलेट्स क्या करता है? इम्यूनिटी को बूस्ट और मेंटेन रखता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर है विटामिन सी. आप सभी को पता है विटामिन सी और इम्यूनिटी का कितना गहरा रिश्ता है. ओके. और दूसरा इंग्रीडिएंट न्यूट्रिएंट है, वो है जिंक. जिंक क्या करता है? इनेट इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि आपके न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ये सारी चीजों को स्ट्रॉन्ग करता है. ठीक है. सेल्यूलर ग्रोथ को भी अच्छे से मेंटेन रखता है. और इसके अंदर है विटामिन डी, जो कि टी सेल्स और मैक्रोफेजेस को स्ट्रॉन्ग करता है, उनका फंक्शन एनहांस करता है और बॉडी को बाहरी खतरों से बचाता है. इट कंट्रोल्स एलर्जी. अगर किसी को एलर्जी भी होती है, किसी को डस्ट एलर्जी होती है, किसी को पॉलन एलर्जी होती है, किसी को कुछ कुछ चीजों की एलर्जी होती है. करेक्ट? मैं रेस्पिरेटरी एलर्जीज की बात कर रही हूँ, फूड एलर्जी की बात नहीं कर रही हूँ. ठीक है. सो जो सांस से लिए जाने वाली, जो हम श्वास जो लेते हैं, उसके अंदर आपको कुछ ऐसा धुआं जा रहा है या डस्ट जा रहा है या वो पॉलन यानी कि फ्लावर्स के जो कण होते हैं वो जाते हैं, तो किसी किसी को एलर्जीज होती है. ओके. तो ये सारी चीजों में सारवा टैबलेट बहुत ही ज्यादा फायदा देगा. और कैंसर के मरीजों को भी आप दे सकते हो सारवा टैबलेट, बिकॉज इसके अंदर विटामिन सी और जिंक दोनों एंटी, आई एम सो सॉरी, विटामिन सी और जिंक है जो कि इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले न्यूट्रिएंट्स है. और उसके अंदर एक और तड़का लगा है विटामिन डी का, विच विल एनहांस इट इवन फर्दर. और किसी को अगर ज्यादा कफ, कोल्ड वगैरह बार बार हो रहा है, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है बाय द वे. आपको पता होगा ना, कुछ महीनों पहले जैसे सर्दियां शुरू हुई थी, आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेम्बर, बट मैं बीच में बहुत सेशन के बीच में बहुत सर्दी हुई थी, मैं खांस रही थी, फिर मैंने ये टैबलेट लिया है. एंड आई एम अ लाइव टेस्टिमोनियल फॉर दिस टैबलेट. ओके. तो मैं आपको बोल रही हूँ ये टैबलेट
पर्सनल यूज के बारे में, पर्सनल यूज के बाद बोल रही हूँ कि ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है. विटामिन सी, विटामिन डी थ्री एंड जिंक तीनों है इसके अंदर. कैसे लेना है इसको? खाना नाश्ता करने के बाद लेना है इसको एक टैबलेट. तो काउ कोलेस्ट्रॉम, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, हाँ, काउ कोलेस्ट्रॉम 3 महीना नाश्ता करने से पहले, आयुष क्वाथ लगातार आप साल भर भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आफ्टर डिनर बिफोर बेड सोने से पहले एक टैबलेट, अगर सिरप ले रहे तो सिरप 15 ml, ठीक है. उसके बाद ड्रॉप्स पूरा दिन कैरी ऑन करिए, तुलसी कर्क्यूमिन ड्रॉप्स, ठीक है. 3 महीने होने के बाद काउ कोलेस्ट्रॉम स्टॉप कर दीजिए, आप शुरू कर सकते हैं एसपल्स जूस काउ कोलेस्ट्रॉम की जगह पे, यानी कि नाश्ता नाश्ते से पहले. और नाश्ते के बाद आएगा सारवा टैबलेट, विटामिन सी, विटामिन डी एंड जिंक से भरा ये टैबलेट, जो कि इम्यूनिटी को मेंटेन रखेगा. जो आपने इस 3 महीनों के दौरान काउ कोलेस्ट्रॉम से बढ़ाई है इम्यूनिटी, उसको मेंटेन भी रखेगा ये. क्लियर? गिव मी अ थम्स अप जिनका वीडियो ऑन है. किसी किसी को तो मैं देख पा रही हूं. ग्रेट, नाइस, थैंक यू. ओके, और इससे इसके साथ एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो आप बाहर हो वो कब हेल्दी दिखेगा? जब आपके अंदरूनी एनवायरनमेंट, जो आपकी बॉडी के अंदर है, वो एनवायरनमेंट हेल्दी होगा. अ हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट्स फ्रॉम अ हेल्दी इनसाइड. अगर अंदर हेल्दी नहीं है कुछ भी तो वो दिखता है, वो पूरे बॉडी में दिखता है सामने वाले को कि आप हेल्दी नहीं हो. आपकी स्किन में, आपके हेयर में, आपके यू नो जिस तरह से आप कंडक्ट भी करते हो अपने आप को, है ना, आपका टेम्पर, आपका इंटेलिजेंस, आपकी मेमोरी, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपके आपके बॉवल हैबिट्स, यानी कि एवरीडे पेट साफ आ रहा है कि नहीं, है ना. ये उदाहरण दे रही हूं मैं आपको कि किस तरह से आप पता कर सकते हो कि आप अंदर से हेल्दी हो या नहीं. ये सारे सिम्टम्स है आपकी बॉडी देती है आपको, ठीक है. स्किन ज्यादा ड्राई हो जाना, स्किन ज्यादा ऑयली हो जाना, हॉर्मोनल इम्बैलेंस, मूड स्विंग्स, अगर अंदर से सब सही नहीं है तो बाहर भी कुछ सही नहीं होगा. इसलिए इम्यूनिटी को बढ़ाइए ताकि इंटरनल चीज एनहांस करें आप, और बाहर जो है दिखे अच्छे से, ठीक है. एंड विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू. एंड अब मैं आपके क्वेश्चंस लेना चाहूंगी. थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड लिसनिंग टू मी. यस, सो नाउ आई थिंक आई एम एबल टू सी एवरीबडी जिन्होंने भी वीडियो ऑन किया है. चलिए अब क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा. ओके, सो ओके, किसी ने पूछा है, हाय मैम, एस पल्स हाउ कैन इट बी गिवन टू अ डायबिटिक पेशेंट. ओके, सबसे पहली बात, एस पल्स कैन बी गिवन टू अ डायबिटिक पेशेंट, बट आपको सावधानी ये बरतनी है कि 2 टाइम के जगह पे 1 टाइम देना है. क्यों? क्योंकि नेचुरल शुगर्स भी होते हैं इसके अंदर, जो कि शुगर लेवल के साथ थोड़ा इंटरफियर कर सकते हैं. ओके, सो अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट को दे रहे हैं इम्यूनिटी के लिए या कैंसर से बचने के लिए, पर उसको डायबिटीज भी है, तो प्लीज गिव इट वंस इन अ डे. जो मैंने आपको 2 बार बोला देने इस पल्स, अदरवाइज एक सुबह में और एक रात को ना, तो आप कोई 1 टाइम भी दीजिए. और जो टाइम पे आप दे रहे हो, याद रखिए कि आप मतलब वो पेशेंट एक्टिव है, फिजिकली एक्टिव होना चाहिए. डायबिटीज में सबसे मेन रीजन तो यही हो रहा है आजकल के जमाने में, डायबिटीज इसलिए भी हो रहा है, नौजवानों को डायबिटीज हो रहा है क्योंकि वो लोग एक्टिव नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं. कृष्णा जी, एस पल्स इम्यूनिटी के रिलेटेड एंड एंटीऑक्सीडेंट रिलेटेड जितनी भी बीमारी है, जैसे मैंने रिपीट करूंगी मैं अभी, ये इम्यूनिटी रिलेटेड बीमारियां, इन्फेक्शंस, ये सारी चीजें. ओके, एंड सेकंड कैंसर रिलेटेड, क्योंकि कैंसर भी इम्यूनिटी की कमी की वजह से ही होता है,
आप यहाँ तक कि आप HIV के मरीजों को भी दे सकते हैं इस पल्स. ये मैंने कभी बोला नहीं है हमारे सेशंस में, बट आज बोल रही हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन आया है. HIV का मरीज है अगर आपके नजर में कोई जानकारी में, तो उनको भी आप एस पल्स दे सकते हैं. इम्यूनिटी का जहां पर भी थोड़ा डामाडोल होता है इम्यूनिटी, आप एस पल्स दीजिए उनको. लैक्टेटिंग मदर नहीं, प्रिंसी जी अभी तो मैंने जवाब दिया था थोड़े टाइम पहले. आप कहाँ हो, हेलो, आप हो या नहीं, आप लॉग आउट हो गए थे क्या? लैक्टेटिंग मदर को नहीं देना है, प्रेगनेंसी लैक्टेशन में नहीं देना है, रिपीट कर रही हूँ. कोई भी प्रोडक्ट गैप देना है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, यानी कि एक साल का गैप होना चाहिए. प्रेगनेंसी के 9 महीने, फीडिंग के 3 महीने, 9 और 3, 12. क्लियर? BP लो में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डोज विल बी सेम फॉर ओल्ड पीपल. ओल्ड पीपल यानी कितने ओल्ड? 85 के ऊपर डोज कम कर दीजिए, 2 टाइम ही दीजिए, पर 15 ml की जगह 10 ml दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कल्पना जी आपका सवाल नहीं समझा मुझे. एस्मा प्रेजेंट ले सकते हैं काकल? डू यू मीन एस्थमा पेशेंट? जहां तक मैं समझ रही हूँ, येस और नो लिखिए चैट बॉक्स में, फिर मैं आपको जवाब देती हूँ. हाँ जी, ओके. एस्थमा पेशेंट ले सकते हैं काउ कोलेस्ट्रॉम, बिल्कुल ले सकते हैं. सोराइसिस के बारे में पूछ रहे हैं संगीता जी. ओके, सोराइसिस बहुत सारी चीजें हैं यार, सोराइसिस में आप दे सकते हो. मैं कैसे 2 मिनट में उसको करूं? क्योंकि अब जो मैं सेशन लूंगी, नेक्स्ट सेशन, वो डायरेक्टली अप्रैल में होगा. ओके, तो अब मेरे सेशंस यहाँ पे खत्म हो जाएंगे. आज मेरा लास्ट सेशन था ये महीने का, बिकॉज आई एम नॉट इन टाउन, तो मैं ट्रैवल कर रही हूँ. तो मैं अब डायरेक्टली अप्रैल में लूंगी. अगर आप तब तक रुक सकते हो इट्स फाइन, क्योंकि मैं पूरा एक सेशन लेना चाहूंगी सोराइसिस के ऊपर. या तो फिर आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो यूट्यूब पे. मैंने स्किन केयर के ऊपर एक लिया था सेशन, ओके. बट अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, जो कि कंप्लीट नहीं होगा डेफिनेटली, बट फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि सोराइसिस के लिए सुपर एडवांस कर्क्यूमिन लीजिए, एंड उसके साथ साथ आप एप्पल साइडर विनेगर भी दे सकते हैं. ठीक है, टैबलेट्स आती है एप्पल साइडर विनेगर की. ओके डुना जी, क्या मैंने 9 पावर ड्रॉप्स की आज बात करी है? नहीं करी है. भेल पूरी हो जाती है पूरी, पता है, भेल पूरी हर प्रोडक्ट. फिर जो दूसरे सुन रहे ना, वो कंफ्यूज हो जाएंगे. प्लीज ये मत करिए जब जिसका जिक्र हो रहा है. और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी मैं. नहीं नहीं सॉरी मत बोलिए रुना जी, आप फैमिली हो, ऐसा नहीं, सॉरी नहीं बोलिए. सिर्फ क्यों बोल रही हूँ, सबके हित में बोल रही हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने के लिए. पर क्या हो जाएगा, आज अगर मैं आपको जवाब दूंगी, कल को किसी को अरे मैम ने क्या बोला था, किसके लिए बोला था ये, अब कंफ्यूज हो गया हूं मैं. होता है कि नहीं होता है, है ना? तो इसलिए ठीक है. तो मैं आपको एक सिंपल आइडिया दे रही हूँ. सबको हमारी वेबसाइट पता है, myshpl.com. myshpl.com पे जाइए, वो प्रोडक्ट जो है आप बोल रहे हो 9 पावर, वो ड्रॉप्स के सेक्शन में मिलेगा आपको. ड्रॉप्स के सेक्शन में जाइए और 9 पावर के ऊपर क्लिक करिए, वहां पे नीचे आएगा डोजेज क्या है उसका. सिंपल, आपको रुकने की जरूरत नहीं है मेरे सेशन के लिए फिर. ओके रोना जी, गिव मी अ थम्स अप. ओके, हार्ट सर्जरी के बाद ले सकते हैं क्या? क्या आर यू आस्किंग एस पल्स? आई डोंट नो इफ यू आर आस्किंग कोई भी. हाँ ओके, कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी सर्जरी हुई है, एटलीस्ट आपको कार्डियोलॉजिस्ट, अगर स्पेशली हार्ट सर्जरी हुई तो कार्डियोलॉजिस्ट से एक क्या कहते हैं, कंसल्ट करना होगा कि अब मैं कब से ले सकता हूँ अपने नॉर्मल सप्लीमेंट्स. बिकॉज ये जो चीजें हैं ना, ये सेंसिटिव होती है, सर्जरी, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, कोई भी चीजें. तो आपको मिनिमम 45 डेज का गैप होना चाहिए. 2 साल हो गए हैं तो बिंदास लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास लीजिए. मिनिमम 45 डेज का गैप होना चाहिए सर्जरी और सप्लीमेंट के बीच में.
ओके ऊपर देखते हैं। राहुल जी टाइफॉइड के लिए आपको, टाइफॉइड के लिए आप काउ कोलेस्ट्रॉम शुरू करिए, ओके, बिकॉज वो इम्यूनिटी के रिलेटेड है, इसके लिए मैंने उसका जवाब दिया है अभी। टाइफॉइड हुआ है अगर किसी को या हुआ था, आप काउ कोलेस्ट्रॉम शुरू करें, आयुष्क्वाथ भी शुरू कर सकते हैं। तो जो मैंने आज ऑर्डर में बताया वो पूरा आप दे सकते हो टाइफॉइड के मरीजों को। कर्क्यूमिन सुपर एडवांस, आयुष्क्वाथ, तुलसी कर्क्यूमिन, ओके, और मेंटेनेंस के लिए 3 महीने के बाद एसपल्स एंड सार्वा टैबलेट्स। जी, शरीर में स्फूर्ति कैसे लाएं, एनर्जी लेवल्स के ऊपर लास्ट वीक ही सेशन किया है मैंने, ठीक है। आप YouTube चैनल, आपको पता है, आप जब वेबसाइट पे भी जाओगे ऊपर आपको YouTube का लिंक दिखेगा, आप वो YouTube का जो आइकन है उस पर क्लिक करना, वो आपको लेके जाएगा YouTube चैनल पे, आपको सारे रिकॉर्डिंग्स वहां मिल जाएंगे हमारे। लास्ट वीक ही हुआ है, लास्ट वीक भी नहीं, अभी फ्राइडे हुआ है, या फ्राइडे हुआ है, यस। सोआ जी, ओके, हर वक्त कोल्ड रहता है, क्या लूं, पंच तुलसी ले रही हूं। पंच तुलसी के साथ साथ आप कर्क्यूमिन सुपर एडवांस लीजिए, बिकॉज आप पंच तुलसी ले रहे हैं। अगर जब आपका पंच तुलसी खत्म हो जाता है तो तुलसी कर्क्यूमिन ड्रॉप्स शुरू करिए, वो पड़े मत रहने दो, पहले कंज्यूम कर लो, ओके। तो तब तक आप कर्क्यूमिन सुपर एडवांस लीजिए साथ साथ में, और फिर आपको दो अलग प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप तुलसी कर्क्यूमिन लीजिए जिसमें दोनों आ जाएंगे, और साथ साथ में आयुष्क्वाथ भी लीजिए अगर हर बार कोल्ड रहता है आपको, सो सिरप या टैबलेट वगैरह। सुरेश जी, आप हाइपरटेंशन में दे सकते हैं एसपल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑपरेशन में दे सकते हैं, ऑपरेशन के दौरान तो कोई भी सप्लीमेंट नहीं देना, बिकॉज डॉक्टर की दवाइयां ही इतनी होंगी, आप कब लोगे सप्लीमेंट, कब लोगे दवाई, तो फिलहाल सप्लीमेंट को तभी ब्रेक दे देना है, जैसे मैंने कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के 45 डेज के बाद आप शुरू कर सकते हैं, कंसल्ट योर डॉक्टर अगर आपका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो। यस, एसपल्स इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट, नो डाउट अबाउट इट। थायराइड में क्या, ओके, थायराइड में थायरोकेयर टैबलेट से शुरू करें, और थायराइड के ऊपर एक सेशन किया था मैंने, अगर बहुत पुराना है तो आई विल ऑल्सो रिपीट इट वंस अगेन, ठीक है। गाइज प्लीज टॉपिक के रिलेटेड पूछिए ना मुझे, फिर क्या होगा पता है, आज आप मुझे वो क्वेश्चन नहीं पूछोगे, फिर मैं कोई और टॉपिक लूंगी नेक्स्ट टाइम, तभी आप मुझे आज के टॉपिक का पूछोगे, फिर आपका आंसर कभी भी नहीं मिलेगा आपको फिर। हाँ, डेंगू प्रेजेंट, डेंगू है अगर, तो सेम चीज जो मैंने आज के सेशन बताई, डेंगू के मरीजों को आयुष्क्वाथ डेफिनेटली देना है। ओके, सो आई थिंक वी आर डन विथ ऑल क्वेश्चंस, आर यू ऑल गुड, समझ में आया सभी को, सभी ने नोट्स लिए हैं। मैं खास करके हेल्थ एंड वेलनेस के सेशन में क्यों नोट्स लेने बोलती हूँ, बिकॉज कंफ्यूजन हो सकता है, ओके, क्योंकि आप कुछ चीजें कंज्यूम कर रहे हो, ये चीज कंज्यूम करने वाली चीजें होती है, पेट के अंदर डालने वाली चीजें होती है, तो इसलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए नोट डाउन करने के लिए बोलती हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू, और मैं आशा करती हूं कि आप ये बहुत लोगों तक ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड करोगे, ओके, करोगे या नहीं, यस और नो, यस डेफिनेटली, यस यस यस, ग्रेट। ओम प्रकाश जी, एसपल्स विकास के लिए नहीं है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये इम्यूनिटी के लिए है, ये रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए, तो डेफिनेटली बच्चों को दे सकते हैं, पर उससे कोई ग्रोथ नहीं होगी उसकी, उससे सिर्फ डेवलपमेंट होगा, क्या डेवलप होगा, इम्यूनिटी डेवलप होगा, क्लियर, ओके, ग्रेट, सो हैप्पी टू सी यू ऑल। और अब मैं डायरेक्टली आपको अप्रैल में मिलूंगी, नहीं नॉट अप्रैल, सॉरी, नेक्स्ट मंथ है मार्च, हाँ मार्च में मिलूंगी, सॉरी माय बैड, मार्च में मिलूंगी, मार्च फर्स्ट वीक में,
तो तब तक आई मिस यू ऑल एंड आप अपना ख्याल रखिए, प्लीज कंटिन्यू करिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए हमारे, अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप सुभाषीष सर से पूछ सकते हैं, मेरे एब्सेंस में अनुषा जी आपको हेल्प कर देंगी, राइट? सो प्लीज हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी, हमारी वेबसाइट है, हमारा यूट्यूब चैनल है, सुभाषीष जी है एक्सीलेंट ट्रेनर, सुभाषीष जी भी बहुत नॉलेज है उनको भी, तो आज मैं उनको मिस कर रही हूँ आज के सेशन में, बट यस आप भी अपना ख्याल रखिए. थैंक यू कृष्णा जी. आयशा, या आई मिस यू टू. आयशा इज वन ऑफ द मोस्ट रेगुलर पार्टिसिपेंट. थैंक यू एवरीबडी. ऑल राइट, सो उसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं. अच्छा डिनर करिए अगर आपने नहीं किया है अभी तक, हल्का खाएं और आपके सप्लीमेंट्स टाइम पे लीजिए, ठीक है? ओके, चलिए, बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी.